ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है मगर उसने मुझे चाह बहुत है। ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है मगर उसने मुझे चाह बहुत है। मेरा हंसना जरूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। मेरा हंसना जरूरी हो गया है, यहाँ हर शख्स संजीदा बहुत है। दोस्तों, आपकी संजीदगी को खत्म करने के लिए, इस महफिल को शगुफ्ता शादमा बनाने के लिए, इस महफिल को सरसब शादाब बनाने के लिए, जनाबे अचानक मूवी का इस्तकबाल करते हैं इन चार मिसरों से कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मजाहिया शायर जनाबे अचानक मूवी। चलना फिरना दूभर है, चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, अब मौत का साया सर पर है क्योंकि मुझको शुगर है। वाह, मतला ही कहा है सब मतला। शुक्रिया दोस्तों। हाँ पढ़ दूंगा। मुझे जलाल सिद्दीकी साहब ने मौनाक भंजन से मंगवाया, सुबह सुबह हाजिर हो गया था तो तारिक सिद्दीकी साहब, जिसे आप लोग अच्छे नेता के नाम से जानते हैं, इनके घर सुबह से शाम तक रहा। इन्होंने बड़ी खिदमत की, अल्लाह इन्हें हर कदम पे कामयाबी नसीब फरमाए। तो फरमाइश हो गई कि इसको मैं दोबारा पढ़ दूँ कि चलना फिरना दूभर है, चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, क्या कहने, मौत का साया सर पर है, वाह क्योंकि मुझको शुगर है। वाह। और यहाँ आने के बाद हो ही जाते, हाँ हो ही जाते भैया, यहाँ जब आया तो यह डेकोरेशन देखा बड़ा प्यारा लगा और आपकी बस्ती बड़ी अच्छी लगी। चार मिसरे दे रहा हूँ जलाल साहब इरशाद कि कितना हसीन, कितना हसीन आज का मंजर दिखाई दे। वाह। कितना हसीन आज का मंजर दिखाई दे, एक चांद जैसे झील के अंदर दिखाई दे। वाह 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 वाह। एक चांद जैसे झील के अंदर दिखाई दे, और आया हुसैनपुर तो महसूस ये हुआ हर आदमी खुलूस का पैकर दिखाई दे। आया हुसैनपुर तो महसूस ये हुआ हर आदमी खुलूस का पैकर दिखाई दे। क्या कहने। चार मिसरे फिर से नहीं, जल्दी जल्दी में ज्यादा सुन लीजिए, है ना जी। इरशाद हर आदमी खुलूस का पैकर दिखाए, मेरी तरह ये भी घूम रहा है, वैसे बहुत अच्छा माइक चल रहा है भाई, कि मेरे महबूब तारिक साहब, कि मेरे महबूब हो कहां आखिर, क्या कहने, मेरे महबूब हो कहां आखिर, गम के दलदल में धस गए हो क्या, क्या कहने, गम के दलदल में धस गए हो क्या, ख्वाब में भी नजर नहीं आते, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या, मेरे महबूब, मेरे महबूब हो कहां आखिर, क्या कहने, गम के दलदल में धस गए हो क्या, वाह, ख्वाब में भी नजर नहीं आते, वाह, लॉकडाउन में फंस गए हो क्या, वाह। एक कथा और दे रहा हूं इसी कबील का, क्वारंटाइन किया गया लोगों को तो उससे बहुत अच्छी जगह मुझको समझ में आ गई,
वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। कोरोना वायरस से खौफ खाकर, क्या कहने, कोरोना वायरस से खौफ खाकर, कोरोना वायरस से खौफ खाकर मकान तामीर होते हैं हवा में। वाह, मकान तामीर होते हैं हवा में, और अकेले ही जो रहना है अचानक चलो चलकर रहे बैतुल खला में, क्या कह रहे, अकेले ही जो रहना है अचानक, वाह 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 वाह, चलो चलकर रहे बैतुल खला में, और चार मिसरे देखें कि दूर से, क्योंकि इस इलाके में बहुत मुशायरा पड़ चुका हूँ, यहाँ तो नहीं आया हूँ, और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कहीं ये भी नहीं कहता हूँ कि पहली बार आया, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ पहली बार जाता हूँ, दोबारा कोई बुलाता ही नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ कि पहली बार आया हूँ, जहाँ मैं दिखाई दे जाऊँ समझिए कि मेरा पहला नंबर है। कि दूर से ही सही, दूर से ही सही हम तुझको निहारा करते हैं। वाह, सुनिएगा, वाह, दूर से ही सही हम तुझको निहारा करते और इसी तरह शबो रोज गुजारा करते, क्या कहने, और इसी तरह शबो रोज गुजारा करते, मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नजारा करते, क्या कहने, वाह वाह वाह, मोतिया बिंद न होता तो यकीनन हम भी अपनी छत से तेरे कमरे का नजारा करते, और क्या कौन सा, पहले कि वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ और रंगी शाम बतलाओ। मंडी साहब, आपको फैजाबाद में भी देखा, यहाँ भी देखा, समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ के हैं कि फैजाबाद में। जी अच्छा, नाम लेना इसलिए जरूरी हो गया कि सब शायर आपका नाम ले रहे हैं, फैजाबाद में भी आपको देखा, मैं अगर नाम नहीं लूंगा तो मेरे वापसी खतरे में पड़ जाएगी। माशाल्लाह, बहरहाल आप बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं मुशायरे में रह के, कि वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी सुबह बतलाओ, वो रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ, समझ में आ गया, किया करते थे छुप कर कैसे कैसे काम बतलाओ, अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे। अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतला, क्या कहने, वाह 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 वाह, फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे। वाह, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। हाँ, अरे भाई वो चश्मा, अच्छा अच्छा अच्छा, आरिफ नसीम साहब आजमगढ़ बिलेरियागंज से आए हैं, बड़ी मोहब्बतें दे रहे हैं, एक दो शेर की इन्होंने फरमाइश की है, इनका हुक्म सर आंखों पर, बहुत बहुत रोई है, क्या कहने, बहुत रोई है, हंसना चाहती है, वाह, बहुत रोई है, हंसना चाहती है, मुझे बाहों में कसना चाहती, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत रोई है, हंसना चाहती है, मुझे बाहों में कसना चाहती है, अब मेरा बेटा ये गाता फिर रहा है, मेरे अब्बा से फंसना चाहती है, वाह वाह वाह, ये गाता फिर रहा है, वाह, मेरे अब्बा से फंसना चाहती है, और एक एक शेर,
मैं और अरे बहुत सवाल है यार, क्या कहूँ, ये उलट गया, रुके, ये भी अजीब होता है, रुकिए थोड़ा सा अन्नामय अमाल निकालू। देखिए अभी साहित्य छाना साहबा ने जहेज पे बहुत प्यारा कथा पढ़ा, चूंकि मैं मजाइए शायर हूँ तो मैं सब उल्टा पढ़ता हूँ, उसको आप लोग सीधा समझिएगा थोड़ी देर के लिए, कि कोई इल्जाम भी लगा दूंगा, कोई इल्जाम भी लगा दूंगा, सुन लीजिएगा, कोई इल्जाम भी लगा दूंगा पूरी बस्ती में फिर हवा दूंगा, वाह, कोई इल्जाम भी लगा दूंगा पूरी बस्ती में फिर हवा दूंगा, और मुझको जहेज दे वरना तेरी बेटी को मैं जला दूंगा। क्या कहने, और आप लोग मुंबई गए होंगे, वहां का नजारा देखा होगा, चार मिसरे वहां से निकाल के लाया हूं कि वहां छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है। क्या कहने, वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है, वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है, समुन्द्र में नहाने का मजा कुछ और होता है। क्या कहने, वाह, वहाँ छुट्टी मनाने का मजा कुछ और होता है, और समुन्द्र में नहाने का मजा कुछ और होता है, जवानी की तो बातें और थी लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और होता है। क्या कहने, वाह, जवानी की तो बातें और थी लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मजा कुछ और होता है। दोबारा पढ़ता हूँ, अरे दोबारा भी पढ़ दूंगा यार, पहले एक एक बार पढ़ने दीजिए, चल मैं टाइम भी कम है, शोरा अभी सब अच्छे शायर बैठे हुए हैं, हम लोग तो बस यूं ही से हैं, एक मतलब दो शेर दे रहा हूँ कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। वाह, पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, टूट जाता है, किताबें किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। क्या कहने, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है, अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है, और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, और जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा। वाह, बहुत खूब जनाबे अचानक मौजूद साहब, कुछ तो भी फहरिस्त तब्दील होने जाने दीजिए, अभी तीन शोरा बड़े मोतबर शोरा है मेरी फहरिस्त में, आ जाइए अचानक साहब, अचानक से फिर आ जाइए, ये भी कुछ और सुनना चाहते हैं आपसे, आइए तशरीफ ले आइए, आइए चलिए, अब यादें नहीं आ रहे, दो तीन शेर पढ़ दे रहा हूँ, देखिए ठीक है भाई जी, हाँ पढ़ दूंगा दो तीन शेर, उसको भी पढ़ूंगा दो तीन शेर और। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब ने एक मेरे बहुत जी ये कथा मुझे भी अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा कथा है, मगर संजीदा है, पढ़िए उन्होंने फरमाइश की है, मैं चाहता हूँ कि इसको हर मुशायरे में पढ़ा करूँ लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ, जो ये उन नौजवानों या उन लोगों की नजर मेरे ये चार मिसरे हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब छोड़ के मगरबी तहजीब के दिलदादा है, मैं मजाइया शायर हूँ लेकिन कभी कभी संजीदा बात निकल जाती है तो मुशायरे के जरिए कहना चाहिए कि जरा सी शेर की हिफाजत, मेरे ख्याल में शेर ले जाएंगे इसको, फिर हो गया जाने दो, आप भी तो उलट गए सीधे बैठो, कि जरा सी, अरे यार जो अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ तो सुन ना यार, ये चार मिसरे बहुत अहम है, कि जरा सी बेवसूली से कदावर डूब जाता है। क्या कहें, जरा सी बेवसूली से
कदावर डूब जाता है और कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। बेशक बेशक कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। और कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज ही जाता है तो जाकर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। और देखिए मजा ऐसे भी पैदा किया जाता है कि मैं वहदत का पैमाना उठा ले। क्या कहने, चार मिसरे देखेंगे कि मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। अचानक एक दिन मरना है आखिर, विकट गिरने से पहले रन बना ले। क्या कहने, विकट गिरने से पहले रन बना ले। विकेट गिरने से पहले रन बना ले, दो तीन शेर तरन्नुम में पढ़ के जी लपयाती वाला। अरे अरे भाई साहब यही सुन लेंगे, चलिए गोरखपुर में सुना देंगे या शेर पे लाऊंगा इंशाल्लाह। लपयाती दो तीन शेर पढ़ दे रहा हूँ, इरशाद इरशाद अच्छे शायर मौजूद हैं, सुनिए दोस्तों। लप आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह, जिंदगी सेठ की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह, हो मेरा काम अमीरों की है माया करना। क्या कहने, दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत करना। वाह, पढ़ोगे रहने दो, नहीं इधर से आवाज आती है रहने दो। हो मेरा काम अमीरों की है माया करना, दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत करना। क्या कहने, भाई 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 में लड़ाने का हुनर दे मुझको। वाह वाह, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे। क्या कहने, वाह। हो मेरे नाम से मनसूब हवाला यार, वाह मंत्री बन के करूं मैं भी घोटाला यार। क्या कहने,